देखिए दोस्तों, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका निकाला है, अंदाज अपनाया है, जिससे आप बिल्कुल आसानी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं और आप किसी भी ट्यूटर का वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए उसी से आप सीखिएगा, अगर और दूसरे ट्यूटर को देखिएगा तो नहीं सीखिएगा। दोस्तों आप मेरा वीडियो देखिए, औरों को भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर जितना ज़्यादा ट्यूटर का देखिएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा। और हम जो आपके लिए आइडिया लेकर आए हैं, बहुत ही सिंपल आइडिया लेकर आए हैं, जिससे आप बिल्कुल आसानी तरीके से अपना इंग्लिश सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको तीन चीज़ मेरे तरीके से भी आप तीन चीज़ सीखना चाहेंगे और सीख जाएंगे इंशाल्लाह आराम से, बहुत ही आसानी तरीके से तीन चीज़ सीख जाएंगे। पहली चीज़ तो आप ये सीखेंगे फर्स्ट नंबर कि आप इंग्लिश से किसी से भी बात कर लें। दूसरी बात ये सीखेंगे कि आप न्यूज़पेपर आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये सीखेंगे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, डीपली और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है कि हमारे किसी से भी मुलाकात होती है तो मुलाकात होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक दूसरे से बात करते हैं, वहाँ पे अपना इंग्लिश बोलते हैं और अपना इम्प्रेशन उनके ऊपर बनाते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले वो अपना नाम बताते हैं, हम उनसे नाम पूछते हैं, अपना नाम बताते हैं, उसके बाद खैरियत पूछते हैं। खैरियत में क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाउ आर यू, इसका मतलब ये हुआ आप कैसे हैं, और आपका जवाब यही होगा कि आई एम फाइन। बस आपको इतना ही पता है आई एम फाइन। लेकिन एक बात सोचिए, आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट होंगे, आप 12th पास आउट स्टूडेंट होंगे, आप LLB के स्टूडेंट होंगे, आप BTech का होंगे, आप डिप्लोमा के होंगे, आप MTech होंगे, आप एक ट्यूटर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ट्यूटर हो, कोई टीचर हो तो उसे इंग्लिश बोलने आती ही है, नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। तो आप कोई भी हो, 5th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, तो अगर आप सब एक जैसे आंसर दे दिया, मान लीजिए आपकी कहीं भीड़ लगी हुई है, इंटरव्यू चल रही है, सब कोई बोल रहे हैं आई एम फाइन, तो आप में और उन बच्चे में और उन टीचर में कोई अंतर होनी चाहिए, कोई अंतर नहीं। इसीलिए मैं आप लोग के लिए 7 ऐसा वर्ड लाया हूँ कि आप 7 दिन अलग अलग बोल सकते हैं, जिससे अपना इंप्रेशन दोस्तों में झाड़ सकते हैं। तो वो 7 वर्ड है क्या, एक तो आपको पता है कि आई एम फाइन। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या बोलना है। देखिए सबसे पहले आपको बोलना है आई एम प्रीटी वेल बोलना आपको। सबसे पहले फर्स्ट डे बोलिए, कोई भी आपसे पूछे हाउ आर यू, आप बोलिए आई एम प्रीटी वेल, एंड देन आस्क कीजिए एंड व्हाट अबाउट यू। उसके बाद आपका क्वेश्चन अराइज होगा व्हाट अबाउट यू, वो भी अपने बारे में कुछ बोले कि आप अपने बारे में आप बताइए व्हाट अबाउट यू। फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट यू, फिर एक आपके पास क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब व्हाट अबाउट यू पूछा है, यानी आप अपने बारे में बताएं, तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तब तो आपको नॉर्मली जवाब दे दीजिएगा, अगर नहीं देखें या पता नहीं या फर्स्ट टाइम है तो ही बोलेगा आई एम फाइन। तो आपको फिर आंसर क्या देना है, आप दूसरे बंदे को कि आई एम जॉली गुड, जॉली गुड। ये आपका 2 दिन का हो गया, आई एम प्रीटी वेल, आई एम जॉली गुड। दोस्तों इसके अलावा और 5 वर्ड होते हैं जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे देखिए वन बाय वन मैं सबका लिखवा दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट डे है, फर्स्ट आई एम प्रीटी वेल। उसके बाद नेक्स्ट डे सेकेंड डे आपको क्या बोलना है, जॉली गुड। थर्ड डे क्या बोलना है, हेल्थ एंड हार्टी। अब ये मत सोच लीजिएगा हेल एंड हार्टी की मतलब कि हेल मतलब डबल ए रहता है जन्नत होता है और हार्ट मतलब दिल, अब उसमें वाई लगा दे, हेल एंड हार्टी का मतलब एकदम बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों सबका मीनिंग वही होता है, प्रीटी वेल, जॉली गुड, हेल एंड हार्टी की मैं अच्छा हो, बढ़िया हो, सही हो, कूल हो, मस्त हो, सबका मीनिंग वही लिखवाएंगे। लेकिन बोलने का आपका इंग्लिश में स्टैंडर्ड आ जाएगा। हेल एंड हार्टी 4 डे आपको बोलना है, गुड
फाइव डे आपको बोला है सेफ एंड साउंड, सिक्स डे आपको बोलना है कूल, सेवन डे आपको बोलना है फाइन, जो आपको एक पता है तब के सेवन डे के हो गया। आई एम प्रीटी वेल, जॉली गुड है ना जी, गुड शेफ एंड साउंड एंड कूल एंड फाइन। अब आपको एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, जैसे आप कूल है तो आई एम कूल, अब ऐसे नहीं आई एम कूल। एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। इंग्लिश बोलने के लिए आपको स्मार्टनेस चाहिए, स्मार्टनेस के साथ बोलना है, और स्मार्टनेस के साथ क्या बोलना है, एक्सप्रेशन बोलना चाहिए। स्मार्टनेस किसे बोलते हैं, आपके एक्सप्रेशन को स्मार्टनेस बोलते हैं। तो ये आपका तो आपके बारे में हो गया कि आप कैसे हैं। उसके बाद आपकी मान लीजिए उनसे मीटिंग खत्म हो जा रही है तो आपको क्या बोलना है। दोस्तों जब मीटिंग आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको क्या बोलना है, मिलने के बाद चल जाने जाते समय आपको बोलना है Nice to meet you। इसका मतलब हुआ कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका जरूरी नहीं है आप बोले, वो भी आपको बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो आपको रिप्लाई देना है शेम एयर। अगर मान लीजिए कि आप उसको बोलते हैं नाइस टू मीट यू तो वो आपको सेम एयर बोलेगा, अगर आपको वो बोलते हैं नाइस टू मीट यू तो आपको उसको सेम एयर बोलना है। मान लीजिए आपका मुलाकात सलमान खान से होती है तो फर्ज आपको बोलता है कि उनको बोले नाइस टू मीट यू, क्योंकि उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे कि आपको बोले नाइस टू मीट यू। वो तो पॉपुलर है, फेमस है, पर्टिकुलर है, वो तो हम है नहीं तो हमें थोड़ी बोलेंगे। तो बोलना तो आपको है, अगर आप उनको बोलिएगा नाइस टू मीट यू यानी मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, तो वो भी बोलेंगे सेम है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। हुई या ना आपको भी बोलना है वो भी बोलेंगे। अगर मान लीजिए आप उनको बोलना भूल गए, उनको बोलना भूल गए और फिर आपका दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो आपको बोलना है नाइस टू हैव मेट यू, नाइस टू हैव मेट यू यानी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका भी रिप्लाई सेम होगा कि मतलब इसका मतलब हुआ कि जब हम आपसे मिले थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो भी बोलेगा सेम यानी मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों एक बात बता दें कि नाइस टू मीट यू वन पर्सन विद वन टाइम इन योर होल लाइफ, किसी भी इंसान से एक बार बोलना है, पूरी जिंदगी में उससे दोबारा कभी नहीं बोलना है। एक इंसान को एक ही बार बोलना है, एक स्टूडेंट को एक ही बार बोलना है, किसी को भी बोले एक बार पूरे लाइफ में। ये बोलिए तो ये छोड़ देना है, अगर ये भूल गए तब ये बोलना है, नहीं तो एक बार पूरे लाइफ में वन टाइम बोलना है, वन टाइम विद वन पर्सन, ठीक है। ये भी सेम रहेगा वन टाइम विद वन पर्सन। देखिएगा ये तो आपका हो गया। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद आपकी मीटिंग होती कंटिन्यू, मान लीजिए आप सर से पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिले तो नाइस टू मीट यू बोल दिए, सेम एयर बोल दिए, उसके बाद आपकी नेक्स्ट मीटिंग हो रही है आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगा या ना लगा बोलना तो जरूर है, तो उनको क्या बोलिएगा उसके बाद आपको दोस्तों बोलना है कि नाइस टू सी यू यानी मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये वाला आपको अपना इंग्लिश के स्टैंडर्ड उनको दिखाना है, नाइस टू सी यू यानी मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इसका रिप्लाई दोस्तों सेम ईयर होगा, और ये आपको लाइफ में हमेशा हर वक्त बोले, जैसे आप जब मिलते हैं तो सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, इवनिंग करते हैं, आफ्टरनून करते हैं, उसी तरह आपको हमेशा इसको नाइस टू सी यू बोलना है। अंतर ये है कि नाइस सलाम गुड मॉर्निंग फर्स्ट में होते हैं और नाइस टू मीट यू नाइस टू सी यू ये सब लास्ट में होते हैं, आपको जाते वक्त इसको बोलना है। दोस्तों आप जब तक बोलिएगा नहीं तब तक बोलने रहिएगा, इसी पर एक प्रभाव आपको पता है, स्पीकिंग बिगेट्स स्पीकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यह कुछ कर दिखाने का वक्त है, यानी स्पीकिंग बिगेट्स स्पीकिंग का मतलब ये हुआ कि बोलने से बोलने आता है, ठीक है। ये तो मैंने अभी लिखने के बाद एक सेंटेंस बोला है, यह कुछ कर दिखाने का होता है, इसका मतलब होता है इट्स टाइम टू टर्न द टेबल। इसका मतलब ये हुआ
या कुछ कर दिखाने का वक्त है। इन स्पीकिंग बिगेस्ट स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। आप इंग्लिश सीखने आए हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलने से बोलना आता है। तो क्या हुआ, आप कहीं गए स्पीच देने, तो आपके पापा बोले बेटा स्टैंड राउंड द टेबल, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है, आप कुछ कर दिखाइए, बेस्ट कीजिए। या विराट कोहली बैटिंग पे आए और एक बॉल में सिक्स मार है, तो पब्लिक क्या करती है, फैन क्या बोलते हैं, विराट स्टैंड टू टर्न द टेबल। ये बाजी पलटने का वक्त है, या उस या वह वक्त है जो कुछ कर दिखाने का वक्त है। और जो वक्त को आप सही से यूज करिए और उसके बाद मैच जीतो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतने मतलब आपको बताया, जो थोड़ा बहुत आपको बताया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक ही बार आदमी नहीं सीख जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूँगी, मेरे हर इंग्लिश टॉपिक के बाद आपको लास्ट में दो प्रोवर्ब कराए जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको दो प्रोवर्ब एवरी डे मिलेंगे आज के बाद, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड दो आपको हमेशा मिलेंगे प्रोवर्ब। और साथ में कुछ इंग्लिश में डेली यूजेज बोले जाने वाले आपको वर्ड मीनिंग भी 10-10, 10-10 मैं लिखवाऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगी तो आपके राइट में एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, और एक बेल होगा उस पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, क्लिक करते हैं, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालो, नेक्स्ट टाइम डालो, तो सबसे पहले आपको मिले। और आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी, इसका मतलब हुआ जो भी आप सुने, मुझे जैसा भी सुने, जिस तरह भी सुने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सिर्फ आप हमें कॉल करके, कोई जरूरत नहीं, आप वहीं से बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इसका मतलब हुआ कि मेरा सौभाग्य है, मेरा फर्ज है, ये दोनों में कोई वर्ड बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर या इट्स माई प्रिविलेज। अगर प्लेजर बोलिएगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग आएगा मेरा फर्ज, और प्रिविलेज बोलिएगा तो इसका मतलब होगा सौभाग्य। तो जो कोई भी आपको स्पीच दे तो उस स्पीच देने के बाद उसको ये बोलना है थैंक्स फॉर हैविंग मी, जो भी आप सुने मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद रिप्लाई में आपको क्या देना, अच्छा लगे या ना लगे आपको बोल देना है इट्स माई प्लेजर, इसका मतलब हुआ ये मेरा फर्ज है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स गो।